10th दस के करंट अफेयर सबसे पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर करंट अफेयर था। ये AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, शॉर्ट में AIF जो फंड्स हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ सकता है, ठीक है? तो अगर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से समझ लिया तो पेपर में अपने आप ऑप्शंस गेस करने में आसानी हो जाएगी। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली सरकार की तरफ से एक लोन की, ये लोन के तौर पर बांटे जाएंगे, लोन के लिए ये एक अलग से फंड सेट किए गए हैं जो तुम्हारे बैंक के। जी हाँ, AIF फंड जो आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये लोन्स के तौर पे आपके बैंक्स के थ्रू कोई भी अवेल कर सकता है। वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, वो कोई स्टार्टअप बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी अवेल कर सकता है। इसका पैसा लगेगा कहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो पैसा है, देखो इंडिया में ना एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है वो ये है कि जब क्रॉप्स पूरी तरह मतलब कटाई भी होगी उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब पूरी कटाई होने के बाद जब क्रॉप तैयार होके कटाई होके उसके बाद जब टाइम आता है उसे स्टोर करने का, इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी है। स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी होने के कारण क्या होता है कि जो तुम्हारी क्रॉप्स हैं वो ज्यादातर किसी ना किसी टाइप से वेस्ट हो जाती है, ठीक है? या कोई ना कोई कीड़ा लग जाता है उसे, मतलब प्रॉपर, जहां पहले तो स्टोरेज की कमी है, दूसरा जहां पे स्टोरेज है भी वो एडिक्वेट नहीं है, तो ऐसे ओपन में पड़ी रहती है तो कई बार गिली हो जाती है या कोई कीड़ा लग जाता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा तो वेस्ट ही चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि तुम पैसे भी लगा रहे हो, क्रॉप्स भी खरीद भी रहे हो, उसके ऊपर पैसे भी लग रहे हैं, पर अल्टीमेटली जब उसे बेच ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा है? और दूसरा, कई बार क्या होता है जब ये पोस्ट हार्वेस्ट सीजन आता है, अचानक किसी कॉमोडिटी का सरप्लस हो जाता है। जैसे ही अगर सबने किसी साल लेट्स सपोज प्याज उगाए हैं, ठीक है, बहुत भरमार में प्याज तुम्हारे मार्केट में आए हैं, तो प्याज का दाम अपने आप गिर जाता है। तो किसानों का कई बार खर्चा 10 रुपए होता है, उन्हें मार्केट में 2 रुपए मिल रहे होते हैं, तो ये भी तो अब सही नहीं है कि किसानों का खर्चा तक नहीं पूरा हो रहा, इतने ज्यादा नुकसान पे। फायदे तो दूर की बात है, उनका खर्चा तक नहीं निकल रहा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी इसलिए आती है बिकॉज बहुत ज्यादा सरप्लस में कई बार खाना आ जाता है, और कई बार हमारा बिल्कुल ही कमी पड़ जाती है, डेफिसिट हो जाता है, फिर हमें क्या होता है, फिर अचानक ही चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, उसका भी किसानों को फायदा नहीं पहुंचता। तो अगर हम स्टोरेज यूनिट्स बना पाए इंडिया में, आपके गोडाउन हो गए, कोल्ड स्टोर हो गए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कोल्ड स्टोर, बाकी तुम्हारे सीरियल क्रॉप्स हैं उनके लिए नॉर्मल गोडाउन्स भी चलेंगे, अगर हम ये स्टोरेज फैसिलिटीज बना पाए सबके लिए, तो होगा क्या कि लेट्स सपोज किसी साल क्रॉप ज्यादा होगी, किसानों को अचानक बेचने की जरूरत नहीं है, किसान अपने क्रॉप्स यहाँ पे रखवा सकते हैं, और जब उन्हें मार्केट में लगे कि अब कंडीशन ठीक है, पैसा अच्छा मिल रहा है, वो तब निकाल के मार्केट में बेच भी पाएंगे। दूसरा, हमारा खाने की वेस्टेज कम हो जाएगी। तीसरा फायदा क्या है अगर ये सारी स्टोरेज फैसिलिटीज बन गई? देखो, कोई चीज अगर जम्मू कश्मीर में जैसे बन रही है, ठीक है, उसे अगर एक्सपोर्ट करना है तो तुम्हें सारे रोड नेटवर्क से जाके तुम अल्टीमेटली सबसे पास जो पोर्ट भी पड़ेगा वो गुजरात में पड़ेगा, तो ये सिंगल जर्नी करना बहुत मुश्किल है, तो जगह जगह रुकना पड़ता है, तो चीजें बहुत ज्यादा कई बार खराब होके पहुंचती हैं। जितना सामान चलता है उसमें से अराउंड ये माना जाता है कि 20% खराब हो ही जाएगा, यहाँ पे फिर से छांटा जाता है और फिर जाके एक्सपोर्ट किया जाता है। पर अगर ये जो जहाँ पे स्टॉपेजेस हैं वहां पे प्रॉपर स्टोरेज यूनिट्स बन जाए, तो अपने आप कोई भी चीज एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हुए खराब नहीं होगी, और प्रॉपरली हम एक्सपोर्ट से भी अपना मतलब एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट की है वो भी बढ़ा पाएंगे। ये 20% वेस्टेज की जगह सिर्फ शायद 5 या 8% वेस्टेज रह जाए, मतलब वेस्टेज तो होती है, ऐसा नहीं है कि वेस्टेज बिल्कुल जीरो हो जाएगी,
ये एग्रीकल्चर का नॉर्मल चीज है कि क्योंकि एग्रीकल्चर में सारी चीजें कंजम्पशन वाली हैं, तो अगर उन्हें प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली खराब होनी होनी है, ठीक है। तो 5-8% तक कम कर पाएंगे, अभी जो 20-25% हम लॉस करते हैं वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, इस टाइम एक एग्रीकल्चर एक चीज और भी देखने वाली बात है, एक चीज और भी जो नोटिसेबल है और एक्चुअली फैक्ट के तौर पे आ सकती है, जितना अभी ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टोरेज का, कोल्ड स्टोर का, गोडाउन का, ये सारा का सारा, ये सारा तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंसंट्रेटेड है, यानी कि तुम्हारे पंजाब, हरियाणा और ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न यूपी में, जी जहाँ पे ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहले जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था, ज्यादातर फैसिलिटीज जो अभी प्रेजेंट है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो जितना तुम्हारा बाकी इंडिया है, वहां के किसानों को तो एक्चुअली वो फैसिलिटीज कभी मिली ही नहीं, तो ये सिर्फ यहाँ पे इतने एरिया में सब कुछ कंसंट्रेटेड है जो अभी एग्जिस्टिंग है। इस स्कीम के थ्रू ये कोशिश है कि ये फैसिलिटी सारे इंडिया में खुलेंगी तो बाकी किसानों के इनकम्स भी बढ़ेंगी और किसानों की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी सारे इंडिया में बढ़ेगी, ठीक है। ये डॉट्स हम सारे इंडिया में फैलाते हैं तो ये फंड्स इसलिए यूज किए जाएंगे। बस ये याद रखना, ये लोन के फंड है, सरकार में पैसा फ्री में नहीं दे रही, पर जो भी इसके थ्रू लोन लेगा, लोन सबवेंशन होगी। सबवेंशन का क्या मतलब होता है, मैं नीचे पॉइंट भी दिखाता हूँ, ये रहा इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब है 3% पर एनम। देखो, लेट्स सपोज आम लोन लोगों को 10% पे मिल रहे हैं, जो पर्सन इस चीज के लिए लोन लेगा, इस पर्पस के लिए लोन लेगा, उसे 3% का सबवेंशन मिल जाएगा। सबवेंशन का मतलब है -3%, यानी कि 7% पे उसे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी परसेंटेज होता है उतना सबवेंशन, सबवेंशन मतलब कम होके मिलेगा। अगर आम लोन 10% में मिलते हैं, मतलब जस्ट रफ एस्टिमेट दे दिया कोई भी, तो इन्हें 3% कम पे मिलेंगे। तो ये सरकार की तरफ से इंटरेस्ट पेमेंट पे भी छूट है, ठीक है। 2 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट लगाई हुई है जिसपे सबवेंशन होगी, उसके ऊपर वाले अमाउंट पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे बाकी यही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तुम्हें समझाए हैं, ठीक है। लोन पे मॉरिटोरियम भी मिल सकता है। मॉरिटोरियम होता है, लेट्स सपोज कोई लोन पे डिफॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसे 6 महीने की राहत भी मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की राहत भी मिल सकती है, ठीक है। दूसरी जो इसके साथ एग्जाम में स्कीम आई हुई थी वो थी पीएम किसान। हाँ जी लपप्रीत, आपने हैंड रेस किया है? सर, मतलब ये तो गवर्नमेंट नहीं ना बनाएगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज वगैरह था वो हाँ जी, सारे गवर्नमेंट फार्मर्स खुद बनाएंगे? फार्मर्स नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी कोई भी बना सकता है। सरकार लोन दे, सरकार लोन दे रही है, लोन की गारंटी दे रही है, ठीक है। ये 1 लाख फंड के थ्रू एक तरह से गारंटी दे रही है कि अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है सरकार उठा लेगी, प्लस जो चुका रहा है उसे इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि उसके इंटरेस्ट में -3% हो जाएगा, ठीक है। उसका इंटरेस्ट कम कर दिया गया उसके लोन पे, ठीक है सर। ठीक है। करेगा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही, सरकार सिर्फ पीछे सपोर्ट के लिए सरकार ने फंड एक्स्ट्रा बनाए हैं ताकि इनकरेजमेंट मिले एज अ सर सिक्योरिटी। ये कोलैटरल फ्री है? नहीं, ये कोलैटरल फ्री नहीं है, ठीक है। कोलैटरल भी देना पड़ेगा, सब कुछ नॉर्मल लोन्स की तरह ही प्रोसेस चलेगा। बस सिर्फ देखो, तुम्हारे बैंक्स जो है ना, बैंक्स तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने से ही डरते हैं, बिकॉज उन्हें होता है एंड में पैसा ना डूब जाए। ये सिर्फ उसके अगेंस्ट गारंटी है 1 लाख करोड़ की सरकार ने दी हुई, और इसमें कुछ नहीं है कि अगर पैसा डूबता है हम तब रिकवरी में मदद कर देंगे, बाकी सारा का सारा सेम है। बस इसमें एक पॉइंट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन का है, और बाकी सारे नॉर्मल लोन्स की तरह ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। दूसरा है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो ये पूरी योजना थी, ये पूरा नाम है, शॉर्ट में पीएम किसान लिखा होता है। क्वेश्चन भी आएगा तो पीएम किसान उसमें जरूर लिखा होगा, चाहे ये फॉर्म लिखी हो, ब्रैकेट में पीएम किसान जरूर लिखा होगा। पीएम किसान ऐसी स्कीम थी कि जितने भी तुम्हारे एलिजिबल फार्मर्स हैं, पीएम किसान में कौन से फार्मर्स एलिजिबल हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन है,
2 एकड़ से 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो इसके अंडर एलिजिबल है, उन्हें एक पूरे साल में 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे एज अ इनकम सपोर्ट। कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे बस। वो 6,000 रुपये कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, सरकार उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगी। पर ये जो 6,000 है ये भी सरकार एक बारी में नहीं देगी, साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स बनाएगी, ठीक है? तो दो 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 करके 3 बारी पे करेगी। पर सर इधर चेंज भी तो होएगा ना कि वो कोई और काम ना नाल करते हो साइड बिजनेस हाँ हाँ बिल्कुल, फार्मर्स क्योंकि मतलब सिर्फ जिनका फार्मिंग का काम है, ठीक है? मतलब फार्मिंग से जुड़ी मतलब हुई एक्टिविटीज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे तुम मार्केट में दूध बेच रहे हो, अंडे बेच रहे हो या वेजिटेबल्स बेच रहे हो तो तुम एलिजिबल नहीं हो। पर कोई और एक्टिविटी जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसमें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए मतलब। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बस फार्मर्स की थोड़ी सी इनकम सपोर्ट करने के लिए सरकार ने बनाई है, ताकि क्योंकि सबसे छोटे फार्मर्स को ये सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए 6,000 रुपये साल में, ताकि उन्हें थोड़ी सी सरकार की तरफ से हेल्प मिल सके। देखो हमारी सरकार कभी भी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, पहले तो अभी इंडिया डेवलपिंग है, हमारे इंडिया के पास ही इतना पैसा नहीं है, ठीक है? हमें लोगों को सोच के लगता होता है 1 लाख करोड़ सरकार इतने लगा रही है, इतने लगा रही है, सरकार सबको पैसे नहीं देती। हमारी आबादी भी 150 करोड़ की है और ज्यादातर लोग फार्मिंग में है, तो इतनी बड़ी आबादी को और हर हर चीज के अलग अलग जरूरतें हैं। तो हम पहले गरीब, अभी सिर्फ मिडिल इनकम देश है तो गरीबों में आते हैं हम, तो अभी अमीर बनने में बहुत टाइम लगना है इंडिया को, और ओवर द टाइम हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। तो लगने सुनने में लगता है कि 6,000 रुपये महीना, 6,000 पूरे साल का बहुत ही कम है, पर अभी फिलहाल के लिए इंडिया की इतनी ही कैपेसिटी है कि वो इतना ही पे कर पाए, ठीक है? जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी हम भी शायद अपना स्टेटस बढ़ा ले, इंडिया अपना स्टेटस बढ़ा ले। नेक्स्ट इज अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर न्यूज थी, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्चुअली। देखो अंडेमान एंड निकोबार में ना एक जो बहुत बड़ा इशू बहुत सालों से बोला जा रहा है कि अंडेमान निकोबार, पर मैं नाल बनाई लेता हूँ नीचे। अंडेमान एंड निकोबार ये जो मेनलैंड इंडिया है इससे हटके यहाँ पे आइलैंड्स की चेन है, ठीक है? ये जितने भी आइलैंड्स हैं ज्यादातर ये ट्राइबल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए हुए, मतलब यहाँ पे ज्यादातर ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है? चाहे वो मेन स्ट्रीम हो जो शहरों के अंदर भी है, कहीं ना कहीं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या रजिस्टर्ड ट्राइब्स हैं हमारे पास। ये एरिया में एक बहुत सालों से इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं है इतना। देखो नहीं तो एक अंडेमान और दूसरी साइड ना हमारे लक्षद्वीप है, ये दोनों आइलैंड्स में इतना पोटेंशियल है। लक्षद्वीप जो है इसके बाद ही तुम्हारा मालदीव आता है। अब मालदीव तुमने सुना ही होगा टूरिज्म के लिए कितना फेमस है, मालदीव से कहीं गुना ज्यादा सुंदर ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। पर लक्षद्वीप कोई नहीं जाता, हर कोई मालदीव जाने को फिरता है। क्यों? मालदीव ने अपने आप को टूरिज्म हब बना लिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे वैसे बना हुआ है, सब कुछ डेवलप्ड है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नहीं तो ये दोनों आइलैंड्स की चेन बहुत ही ज्यादा सुंदर है और एक्चुअली टूरिज्म का वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट स्पॉट बन सकती है। तो अब सरकार इसकी तरफ फोकस लाना चाहती है। एक तो हम यहाँ पे मतलब और भी सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ। रेल और रोड के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं कि इन सारे चेन, ये ना ब्रिजेस के थ्रू आइलैंड्स एक दूसरे से, ज्यादातर आइलैंड्स एक दूसरे के से जो पास पास आइलैंड्स हैं उन्हें ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है, जो मेन आइलैंड्स हैं उन्हें तो खासकर, पर वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है? तो नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, नया रेल नेटवर्क, पूरा रेलवे इसमें से जो मेन आइलैंड्स हैं उनमें से रेलवे भी निकलती है, पर वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उसे भी रिवाइव करके दोबारा से उसके दोबारा से ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं ताकि डेवलपमेंट पे और ज्यादा फोकस आ सके। एक चीज और जो अंडमान निकोबार में लोगों को प्रॉब्लम थी वो थी टेलीकॉम सेक्टर की। अच्छा तुम में से एक, तुम्हें पता है जो तुम अभी इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये दुनिया भर में तुम्हारे जो मैसेजेस हैं
ठीक है, लेट्स सपोज तुम्हारे कोई भी फ्रेंड रिलेटिव कोई भी है, उनसे तुम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील कहीं पे भी बात कर पाते हो, या उन्हें मैसेज कर पाते हो, या फेसबुक इंस्टाग्राम किसी के थ्रू उन्हें इंटरेक्ट कर पाते हो, ये जो पूरा इंटरनेट है ये चलता कैसे है, कहाँ से आते ऑप्टिकल हैं? फाइबर्स बिल्कुल, देखो अक्सर जो लोगों की परसेप्शन होती है, सबको लगता है ये चीज सैटेलाइट से चलती है। सैटेलाइट से तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलता, जो तुम इंटरनेट चला रहे हो क्या रहा है, पूरी दुनिया के जो समुंदर हैं, समुंदर के अंदर ना तारे बिछाई हुई हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ऐसे तारे जाती हैं समुंदर के अंदर से, बहुत ही ब्रॉड, और उन्हें लगातार मेंटेन किया जाता है। मतलब स्पेशल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कि ये सी की जितनी अंदर से लाइनें जा रही हैं उन्हें मेंटेन करना है। तो जैसे अगर मतलब अटलांटिक ओशन की जैसे बात करते हैं, अटलांटिक में अगर तुम देखोगे एक साइड पे अमेरिका है और दूसरी साइड पे जाके यूरोप है, अमेरिका से किसी ने यूरोप में किसी को भी कोई मैसेज भेजना है, जो भी तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, यहाँ से मैसेज अटलांटिक ओशन के थ्रू जो तारे बिछी हैं उसके थ्रू यहाँ दोनों कनेक्टिंग पॉइंट्स पे पहुंचता है, यहाँ से फिर जो तुम्हारे टावर्स होते हैं उनके थ्रू जंप करवाया जाता है, ठीक है, और टावर्स तक भी ऑप्टिकल फाइबर्स जा रही हैं। तो पूरे समुंदर में हमने हर कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने के लिए, हर देश को कनेक्ट करने के लिए, तुम यहाँ से जो मतलब तुम खुद स्पीड इमेजिन करो, यहाँ से तुम जो कनाडा, अगर किससे बात कर रहे हो, कनाडा बिल्कुल दुनिया के ऑपोजिट साइड है हमारे, तो अगर तुम कहीं पे भी वहां से बात कर रहे हो, विद इन सेकेंड्स ये मैसेज पूरे समुंदर को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच रहा है। तो ये चमत्कार है तुम्हारे ऑप्टिकल फाइबर्स का। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स एक स्पेशल तरीके की वायर होती है, फाइबर्स होते हैं मतलब। इसमें क्या होता है, इसमें ना जो अंदर की लेयर्स होते हैं, जो अंदर से होता है, ये कॉपर या किसी और चीज से नहीं बनी होती, अंदर ना इसके ग्लास की लेयर होती है, मतलब ग्लास कोटिंग होती है इसके अंदर, दोनों साइड ग्लास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मैसेज यहाँ पे जब शुरू हुआ, लेट्स सपोज तुमने किसी को हेलो भेजा, हेलो भेजते ही यहाँ पे ये मैसेज लाइट की तरह शुरू होगा, ऐसे टकरा टकरा के, ये लाइट है, लाइट की तरह, जैसे लाइट जलती है इसके अंदर, ऐसा लाइट की तरह जाएगा ये, क्योंकि लाइट दुनिया का फास्टेस्ट मीडियम है ट्रैवल करने का। सबसे तेज लाइट ट्रैवल करती है ना, साउंड उससे स्लो है, हम पढ़ते होते थे ना, और सबसे तेज लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर, जिसमें उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती। मतलब हम जब देखते होते हैं कि वाटर के अंदर ट्रैवल करेगी, या तुम्हारे दो ही सोर्स हैं, या गैस के अंदर, तीसरा होता है वैक्यूम जहां पे गैस भी एब्सेंट होती है। तो सबसे तेज लाइट ट्रैवल करती है, इन तारों के अंदर से लाइट के तौर पे तुम्हारा मैसेज ट्रैवल करता है। दूसरी साइड पे जहां पे जाके इस मैसेज ने दोबारा कन्वर्ट होना है, वहां पे फिर से एक साइड पे सेंडिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं जो लाइट के तौर पे इसे भेजते हैं, दूसरी साइड पे वो लाइट रिसीव होती है, उसे मैसेज में ब्रेक कर दिया जाता है, मैसेज के तौर पे वो डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैली हुई है अभी तक। मतलब ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट से तुम्हारा इंटरनेट चल नहीं सकता, सैटेलाइट से इंटरनेट एक तो महंगा बहुत पड़ता है और स्लो बहुत है, अभी फिलहाल के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो स्लो बहुत है, लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट हो रही है, उसमें भी तुम्हारी जो स्पेस एक्स कंपनी है ये लीड ले रही है, कुछ टाइम में तुम्हें इसी साल के अंदर अंदर करंट अफेयर आ जाएगा कहीं ना कहीं, स्पेस एक्स तो से। एलन हाँ मस्क भी है ना? जी, हाँ जी, ये बना रहे हैं दुनिया का सबसे पहला अफोर्डेबल जो सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट है, पर अभी जो तुम्हारा अफोर्डेबल नेटवर्क है वो सारा ऑप्टिकल फाइबर से चलता है। तो सैटेलाइट का महंगा भी है और लिमिटेड भी है, हर जगह नहीं आता। तो अभी तक जो हम अंडमान निकोबार में ज्यादातर जो इंटरनेट हम चला रहे थे, पहले तो वो इंटरनेट स्लो है, और दूसरा 4G तो बहुत ही लिमिटेड है, 4G अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स मेनलैंड से इसे नहीं कनेक्ट कर रही थी, यहाँ पे कहीं मेनलैंड से तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर्स ही नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे जितना भी नेटवर्क आ रहा था वो सारा हम एक्चुअली सैटेलाइट से चला रहे थे। सैटेलाइट बहुत ही लिमिटेड पावर दे पाती है और हर जगह सिग्नल नहीं आते उसके। अब जाके तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट कर दी गई है मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद बाकी
आइलैंड्स पे अब जोड़ दी जाएगी, तो यहाँ पे अब 4G नेट भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो टूरिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि लोग की एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है? तो ये चीज अब जाके पॉसिबल हो रही है, ये लिखा हुआ है। हाँ, सबमरीन ऑप्टिकल केबल जो हम जोड़ रहे हैं वहां से, ये देखो पोर्ट ब्लेयर एक साइड पे जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है वहां पे, और दूसरी साइड स्वराज द्वीप, हैवलॉक, अच्छा ये तो उसके आइलैंड है, कहाँ कहाँ तक जोड़ दी गई है अभी तक। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमरोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगनाड तक अभी तक जोड़ दी गई है, ठीक है? तो यहाँ पे इन सारे आइलैंड्स पे अब जल्द ही, अभी नहीं शुरू हुआ ऑब्वियसली, अभी प्रोसेस, अभी और आगे टावर्स लगने हैं, सब कुछ लगना है। फाइनल सिग्नल तुम्हें टावर से आता है, अंटिल अनलेस तुम ब्रॉडबैंड चला रहे हो, जो तुम्हारा ब्रॉडबैंड है वो पीछे किसी ना किसी ऑप्टिकल केबल से जुड़ा होता है, ठीक है? जो तुम्हारा, अगर तुम फोन पे चला रहे हो, वो अल्टीमेटली तुम्हारे टावर्स की नेटवर्क जारी करते हैं, फिर वो तुम्हारी ऑप्टिकल केबल तुम्हारे टावर तक जाती है। जितनी भारी भारी केबल्स टावर के अंदर जुड़ी होती हैं वो सारी ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती हैं। उनकी कभी कोटिंग देखना कितना ब्रॉडली से कोट किया होता है, क्योंकि अगर ऑप्टिकल फाइबर हल्की सी भी डैमेज होगी कहीं से, तो लाइट तो बाहर लाइट है, लाइट अगर बाहर की लाइट आने लगी तो ये सारा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी ये केबल बदलनी पड़ जाती है। सर, जो अपना ब्रॉडबैंड होता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर यूज कर देना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जो ब्रॉडबैंड है वो भी ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, ठीक है? पहले नहीं करते थे, पहले कॉपर फाइबर यूज करते थे, रिसेंटली जब से 4G आया है, जो तुम्हारे ब्रॉडबैंड में 4G आया है, वहां से ऑप्टिकल फाइबर यूज होना शुरू हो गया, ठीक है? तभी पहले ब्रॉडबैंड भी स्लो चलते थे, अब धीरे धीरे ब्रॉडबैंड की स्पीड तेज होने लगी है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे और ज्यादा तारें बिछती जाएंगी, देखो इसकी लिमिट दूसरी साइड ये आता है कि तुम्हारी अल्टीमेटली ऑप्टिकल फाइबर कितने नेटवर्क्स में जाके बट रही है। हमेशा देखना, अगर कोई नया नेटवर्क लॉन्च होगा, अगर तुम्हारे एरिया में तुम्हारा फर्स्ट कनेक्शन है, तो पहले कुछ महीने बहुत ज्यादा तेज इंटरनेट आएगा, पर धीरे धीरे उसकी स्पीड खत्म होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही सेम ऑप्टिकल फाइबर अब 10 घरों को इंटरनेट दे रही है, तो वो सिग्नल बढ़ता जाता है, ठीक है? कैपेसिटी फुल होती जाती है, तो मल्टीपल केबल्स जितनी कंपनीज लगाएंगी उतनी ज्यादा तेज स्पीड आएगी, ये हमेशा मेन चीज रहती है इसके अंदर, ठीक है? तो ये तुम्हारा मेन फोकस है इसमें, ये ऑप्टिकल फाइबर्स के भी सारे पॉइंट लिखे हैं जो मैंने तुम्हें समझाया। यही ग्लास लेयर, उसे क्लाडिंग बोला जाता है, जो अंदर ग्लास फाइबर की कोटिंग की जाती है उसे क्लाडिंग करना बोलते हैं, जो अंदर से ग्लास की तरह बनाई जाती है। सर, स्पेक्ट्रम बारे भी दस दियो थोड़ा जा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, नहीं सर, जेड़ा आपा मतलब जिदा 4G स्पेक्ट्रम खरीदने, 5G स्पेक्ट्रम अच्छा खरीदने टेलीकॉम्स। ठीक है। देखो स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, स्पेक्ट्रम में ना तुम्हारी वेवलेंथ होती है। स्पेक्ट्रम कहाँ जाके काम आते हैं, जो तुम्हारे टावर्स हैं जहां से तुम ब्रॉडकास्ट करोगे, तुम्हारे किसी भी टावर ने तुम्हें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में तुम्हें सारा सारी चीजें भेजनी है, ठीक है? अब हर फ्रीक्वेंसी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर पाएगी उतनी तेजी से वो तुम्हारा डेटा ले पाएगी, तुम्हारे तक डेटा पहुंचा पाएगी। तो हमेशा एक लिमिटेड, उसके लिए क्या जरूरी है, पहले तो वो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें तुम्हारी जो स्कैटरिंग हो रही है वो तेज होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तेज होनी चाहिए, और अल्टीमेटली वो जो फ्रीक्वेंसी तुम कोई भी यूज कर रहे हो वो ना क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जैसे बात करूं, अब दो फ्रीक्वेंसी जो हम लाइफ में सबसे कॉमन यूज करते हैं, एक हम अपने रेडियोस के लिए यूज करते हैं, है ना, और एक हम अपने फोन्स के लिए यूज करते हैं, मोबाइल के लिए यूज करते हैं। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बहुत दूर दूर तक होती है वेवलेंथ। ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी जो रेडियो है ये डिस्टर्ब, ये क्या कहते हैं, जो वेवलेंथ यूज करते हैं ये लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ यूज करते हैं, तभी रेडियो स्टेशन दूर भी होगा तब भी इसका सिग्नल आ रहा होगा। मोबाइल फोन्स हमेशा शॉर्ट करते हैं, इसीलिए होता क्या है, देखो जितना तुम मोबाइल टावर से दूर जाते जाओगे, ठीक है, ये बाकी तुम्हारे फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें आएगा, उनमें उस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज कैसे ट्रैवल करती हैं वो डिटेल में बताएंगे, मैं सिर्फ तुम्हें स्पेक्ट्रम वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो शॉर्ट वेवलेंथ है ना,
ये हमेशा फास्ट ट्रैवल करती है, इसीलिए हम जितने ज्यादा टावर किसी एरिया में लगाएंगे उतना कम एरिया उन्हें कवर करना पड़ेगा, उतना ज्यादा बेटर नेट और उतनी ज्यादा बेटर तुम्हारी वॉइस क्वालिटी आ रही होती है। जितनी तुम दूर दूर टावर लगाओगे ये बीच का एरिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, यहाँ सिग्नल ही नहीं आएगा। रेडियोस लॉन्ग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ये बहुत ही लॉन्ग वेवलेंथ वाली चीजों को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सिग्नल जाके तुम्हारे ऊपर आयनोस्फीयर से टकरा टकरा के वापस आते हैं, तो वहां से ये दूर दूर तक स्प्रेड भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और इन्हें उतनी हाई क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? यहाँ पर डायरेक्ट तो जो रिसीविंग होती मोबाइल है। टावर्स हैं उन्हों का सिग्नल तो आपस ही ट्रांसमिट होता है ना, वो तो नहीं आइनोस्फीयर से जाके वापस आता नहीं है? नहीं वो आप वो तभी तो इतने पास पास लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो लोकली डायरेक्टली तुम्हारे फोन को दे रहे हैं सिग्नल, वो आइनोस्फेयर में नहीं जा रहे। जो तुम्हारे रेडियो टावर्स हैं वो तुम्हारे आइनोस्फेयर पे फेंक के फिर तुम्हें पहुंचाते हैं। तभी तो अगर तुम अर्थ के ऊपर से, अगर मैं तुम्हें एरिया बताऊं, एक मोबाइल टावर सिर्फ इतना को एरिया कवर करता होगा मतलब कंपैरिजन में, और जो तुम्हारा रेडियो टावर है वो इसके कंपैरिजन में इतना एरिया कवर करता होगा, ठीक है, तभी ये चीजों का फर्क पड़ता है क्वालिटी का। हम क्या कहते हैं रेडियो वाला तरीका इसमें नहीं यूज कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते, फिर स्पीड नहीं आएगी, फिर वही 1G 2G वाला इंटरनेट आएगा जिसमें फोटो डाउनलोड होने के लिए भी सदियां लग जाए, वीडियो तो भूल ही जाओ, ठीक है। अगली चीज जो है वो है तुम्हारी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया पाकिस्तान फिर से थोड़े से बहस कर रहे हैं आपस में, तो ये न्यूज में आ गई इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी, देखो इंडस जो नदी है वो शुरू होती है चाइना से और मेनली इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो करती है। चाइना में बस इसका ओरिजिन है, बाकी इंडिया और पाकिस्तान ही इसके मेन बेनिफिट लेने वाले इंडिया और पाकिस्तान है। तो पार्टीशन के बाद प्रॉब्लम क्या आई, जो तुम्हारे इंडिया का नॉर्थ का पार्ट है और तुम्हारे पाकिस्तान का एक्चुअली जितना भी तुम्हारा ईस्टर्न पाकिस्तान है, ईस्टर्न और सेंट्रल पाकिस्तान नीचे साउथ तक जाते हुए, क्योंकि वहां अरेबियन सी में जाके वहीं पे गिरती है, पाकिस्तान में गिरती है। प्रॉब्लम ये थी कि ये पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, अगर पाकिस्तान का इसका पानी बंद हो जाए पाकिस्तान सारा सूखा पड़ जाएगा। पाकिस्तान की सबसे मेन नदी ही इंडस है, इंडस के सिवा नहीं तो पाकिस्तान पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। तो इंडिया पाकिस्तान के बिकॉज रिलेशन अच्छे नहीं थे, हम एटलीस्ट कई मुद्दों पे अपने आप को, ये तब की बात है जब हमारे रिश्ते इतने खराब नहीं हुए थे, तो हमने तब एटलीस्ट के लोगों को पानी मिलता रहे दोनों साइड पे सेटिस्फेक्शन, और बार बार लड़ाई ना हो पानी के पीछे, तो एटलीस्ट तो हमने आपस में एक इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी हमने, मतलब डायरेक्टली नहीं की थी, इंडस वाटर ट्रीटी हमने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व कर लिया था जिसने हम दोनों में समझौता बिठाया, वो था तुम्हारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सेम टेबल पे लेके आए और एक्चुअली पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा प्रिंसिपल बनाया। इसके चलते हुए जितनी भी तुम्हारी इंडस की नदियां थी उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, वेस्टर्न नदियां और ईस्टर्न नदियां, ठीक है। वेस्टर्न नदियां जो हमारे ऊपर ऊपर रह जाती हैं ज्यादातर, जैसे कि झेलम, मतलब जैसे क्या उनका नाम ही झेलम, चिनाब और तुम्हारी इंडस, नीचे आ गई तुम्हारी रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। अब इन्हें बराबर के हिस्सों में तीन तीन करके बांट लिया गया है, यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन। एक चीज याद रखना है, जो ज्यादातर जो पानी है इंडस का ये ऊपर वाली नदियों में, झेलम चिनाब और इंडस में, नीचे वालियों में पानी कम है, ठीक है। पर पाकिस्तान की बिकॉज लाइफ लाइन ही ये नदियां हैं, ज्यादातर
पाकिस्तान पानी ही इससे लेता है, इस कारण पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा एक्सेस दिया गया। ठीक है, झेलम, चिनाब, इंडस तीनों का पानी उसे दिया गया, और हमारे पास 100% ईस्टर्न नदियों पे कंट्रोल है, यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज, इनमें से हम चाहे पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी ना दे, हमें कोई मना नहीं कर सकता, पर ये तीनों नदियां हमें पाकिस्तान में भेजनी पड़ती हैं, झेलम, चिनाब और इंडस। इसका पानी ऐसा नहीं है, पर जैसे मैंने तुम्हें बताया जो ईस्टर्न नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इसका हमें एक भी बूंद देने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, सारा का सारा पानी हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं है। ये सेम केस पर वेस्टर्न नदियों के साथ नहीं है। वेस्टर्न नदियां पहले तो पाकिस्तान को ही बिलोंग करती हैं, वहां तो सारा पानी पहले तो पाकिस्तान के पास जाना है, पर सारा भी पाकिस्तान के पास नहीं जाता, बिकॉज बीच में जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स भी तो हैं। अब वहां के लोगों को भी तो अपने एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए भी पानी चाहिए और पीने के लिए भी तो पानी चाहिए, तो हमें ये फैसिलिटीज, और तीसरा एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हमें ये तीन चीजों की परमिशन है कि हम ये तीन नदियां लोगों के वहां पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। उसके सिवा हम पानी स्टोर नहीं कर सकते, मतलब कोई बड़े साइज का डैम नहीं बना सकते जहां पे पानी रुक रहा हो, पानी चलता लगातार रहना चाहिए, और सारा का सारा पानी पाकिस्तान में जाना चाहिए। ठीक है, झेलम, चिनाब और इंडस का, इन तीनों पे हमारा कंट्रोल है, ये डिसाइडिंग है फैक्टर है तुम्हारे इंडस वाटर ट्रीटी का, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किया था। ठीक है, ये थे आज के तुम्हारे सारे करंट अफेयर्स। सर एक डाउट है जी। हाँ जी, हाँ जी, सर आज एक न्यूज़ आई सी थी कि डिफेंस पे अपन ट्रेड बैरियर लगाया है हाँ सर, बट मतलब अपन डिफेंस पे इक्विपमेंट तो उदों ही खरीदते हैं ना जदों गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, खुद तो बिल्कुल। कोई होर कंपनी आके बेच नहीं सकती, तो ट्रेड बैरियर एज इन अगर आप नहीं, ऑर्डर ही ना ट्रेड दिए तो ट्रेड आएंगे नहीं। बेसिकली मैं बताता हूँ, ट्रेड बैन क्या है। बैन तो अखबार वाले ने लैंग्वेज यूज कर दी है, ठीक है, एक्चुअली में वो बैन नहीं है। हमने क्या कहते हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ आइटम्स की ना एक लिस्ट बना ली है, जो प्रियोरिटी बाय, जो असली वर्ड है जो मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में है, वो है प्रियोरिटी बाय जो है वो इंडिया की कंपनी से किया जाएगा। ठीक है, ताकि कम से कम ये जो आइटम्स हैं डिफेंस की, ये हम बाहर से खरीदना बंद कर सकें। तो इसमें इंडियन कंपनीज को एक तरह से एडवांटेज ये दिया जा रहा है कि हम सिर्फ इंडियन कंपनी से खरीदेंगे, तो उनकी आपस के बीच में ही कंपटीशन रह जाएगा। बाहर का बंदा अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम कंपटीशन में अलाउ नहीं कर रहे, तो इन्हें टाइम मिल जाएगा अपनी पूरी फैसिलिटी डेवलप करने के लिए। इन्हें प्रॉफिट दिखेगा कि सरकार ने इस साल जैसे बोला है कि हम 53,000 करोड़ का सामान इंडियन कंपनी से खरीदेंगे, तो ये पैसे को अगर एक्सेस करना है तो इंडियन कंपनीज को इन्हीं फील्ड में पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उन्हें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, तो इससे हमारा डिफेंस सेक्टर कम से कम कुछ कुछ आइटम्स करके हम अपना पूरा डिफेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में खड़ा कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अभी तुम्हारा सरकार तो ऑब्वियसली सरकार, ज्यादातर कंपनीज तुम्हारी सरकार की हैं जो डिफेंस की है, प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं है, क्योंकि तो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली अपना ना। एक पुश देता है ना प्राइवेट सेक्टर नु कि तुसी फिलहाल ये चीजा बनाओ हाँ बाद बिल्कुल, चो एक्सपेंड कर लियो। बाद में और एक्सपैंड करेंगे। देखो, एक बारी कंपनीज यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो गई और उन्हें एक्सेस दिखने लगा, इंडियन आर्मी का बजट तो तुम्हारा हर साल 50 बिलियन का है, मतलब सारी आर्म्ड फोर्सेस, सिर्फ आर्मी नहीं, 50 बिलियन डॉलर का है, तो ये इसमें चलो सैलरीज भी काट दो, हर साल कम से कम तुम 35 बिलियन तो खर्च कर ही रहे हो जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पे है। ये 35 बिलियन डॉलर का टोटल तुम्हारा बजट है जो तुम एक्सेस कर सकते हो एक टाइम पे, तो ये पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और एक बार डिफेंस इंडस्ट्री हमारी डेवलप होगी, हम बाकी कंट्रीज को अपने वेपन बेच पाएंगे, तो उससे भी हमारा एक्सपोर्ट भी पड़ेगा, हम और लोगों को बेचेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी पड़ेगा। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, कि क्या क्या चीजें कवर है, इस कारण ये करंट अफेयर में नहीं था, पर आपका डाउट था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों किया जा रहा है, ये मेंस की चीज है। सर डीआरडीओ लाइसेंस
इश्यू करेगा इसलिए। क्या चीज? देखो डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ ना तुम्हारी लाइसेंसिंग कैसे इश्यू करेगा मैं वो से बताता हूँ। डीआरडीओ तुम्हारे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है। डीआरडीओ कभी खुद चीजें सारी की सारी डेवलप नहीं करता, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। अब हो क्या रहा है, अभी तुम्हारे जो प्राइवेट सेक्टर है, हाँ जी, डीआरडीओ कभी पूरी चीज नहीं डेवलप करता। जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो बिल्कुल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होनी है, वो डीआरडीओ कभी डायरेक्टली खुद नहीं करता, वो किसी और सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा तेजस एयरक्राफ्ट चाहे इन्होंने मिलके बनाया है, पर डेवलप उसे एचएएल कर रहा है, उसे मैन्युफैक्चर एचएएल कर रहा है, चाहे उसके अंदर डीआरडीओ की टेक्नोलॉजीज लगी है। देखो अभी जो तुम प्राइवेट सेक्टर शुरू करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर का क्या है, जैसे डीआरडीओ अगर कोई और काम करवाना है, किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के थ्रू वो काम होता है, डीआरडीओ कभी खुद नहीं करता काम, उसका काम रिसर्च का है। तो प्राइवेट सेक्टर जिसने अभी शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग में ही तुम इन्हें नहीं उम्मीद कर सकते कि ये अपनी खुद की रिसर्च करके टेक्नोलॉजी बना लेंगे, नहीं तो रिसर्च करने में ही तुम्हारे 10 से 15 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे 10-15 साल तो यही वेस्ट हो गए, तो कहाँ जाके तुम्हारी अपनी खुद की प्रोडक्शन शुरू होगी। तो डीआरडीओ क्या करेगा, डीआरडीओ तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर जो चीज में इंटरेस्टेड है, प्राइवेट सेक्टर उन्हें लाइसेंस इश्यू कर देगा उस चीज को बनाने का। लाइसेंस के थ्रू क्या होगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी दे देगा और उसके लिए एक फी चार्ज कर लेगा, रॉयल्टी फी होती है कि तुम अगर लेट्स सपोज 100 गन्स बना रहे हो, एक गन तुम्हारी रफली कोई बता रहा हूँ कि चलो 1000 की लगा लो, मुझे पता है 1000 की गन नहीं बनेगी, पर सिर्फ अभी एस्टिमेट के लिए 100 गन्स बनानी है, तुमने एक गन 1000 रुपए की है, तो डीआरडीओ कहेगा तुम्हें लाइसेंस ये है कि हर 1000 रुपए की तुम गन बना रहे हो उसमें से 100 रुपए हमारे हैं, 900 तुम्हारे हैं, ये लाइसेंस हो गया, ताकि हमारा जो रिसर्च का खर्चा है वो इससे पूरा हो जाएगा और हम भी प्रॉफिट कमा लेंगे और प्राइवेट सेक्टर ये 900 में से अपना प्रॉफिट भी कमा लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही, क्योंकि 100 गन्स बिकी खुद देख लो, प्रॉफिट्स ऐसे जम कर जाते हैं। सर डीआरडीओ ही डिसाइड करता है ना क्वालिटी पैरामीटर्स भी, क्योंकि हुण तक हाँ आप इसलिए नहीं बिल्कुल, करते सी कि क्वालिटी ऑफ वेपन्स बढ़िया। नहीं, अल्टीमेटली नहीं, जो तुम्हारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो अपनी रिसर्च के लिए डीआरडीओ डिसाइड करेगा, पर जो तुम्हारे क्वालिटी फाइनल पैरामीटर्स है ना, वो हमेशा आर्म्ड फोर्सेस खुद डिसाइड करती हैं। आर्मी हमेशा अपना प्रपोजल निकालेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कि हमें कैसी गन्स चाहिए, वो गन्स के अंदर वो अपनी खुद की स्पेसिफिकेशंस बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए उन गन्स का, हमें वो अपने अकॉर्डिंग को देखते हैं कि उन्हें यूज कहाँ करनी है। जैसे जो हमारे इंसास है, इंसास क्यों रिजेक्ट होती है, इंसास तुम्हारी इनकी बनाई हुई गन है, इंडियन मेड गन है, इंसास क्यों रिजेक्ट होती है ज्यादातर जगह, और हम आज भी क्यों AK-47 पर डिपेंडेंट है। इंसास तुम्हारी जैसे ही कोल्ड वेदर है वहां चलनी बंद हो जाती है, अगर ये गन गीली होगी तो चलनी बंद हो जाती है, अगर कोई हैवी फाइटिंग कहीं शुरू हो जाए जहां पे लगातार फायर करना पड़ता है, तो इंसास हीट अप बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पकड़नी मुश्किल हो जाती है, इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है ये गन चल चल के। तो इस कारण आज भी हम AK-47 पे तभी ज्यादातर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम जो हैवी मिशंस हैं वो AK-47 से ही होते हैं। इंसास आर्मी के पास इंसास है तो सबसे ज्यादा, पर आर्मी वाले खुद ही नहीं पसंद करते, सरकार ने जबरदस्ती इंसास दी हुई है। इंसास सबसे घटिया गन होगी तुम्हारे पूरे लॉट की। ठीक है, ये इंडियन मेड गन है और सरकार ने खुद ही बनाई है, सरकार ने खुद ही जबरदस्ती सोल्जर्स को ये दी है, किसी काम की नहीं है ये गन्स, सबसे निकम्मी गन्स है। ठीक है, ठीक है सर। तो और कोई डाउट किसी करंट अफेयर किस चीज पे? नहीं, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर।